सो दोस्तों, सबसे पहले तो लोकेशन देखिए, अभी मैं BKC में हूँ और ये देखिए यहाँ पे पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ आपको वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे और उसके साथ मोनो रेल की भी कनेक्टिविटी आपको मेट्रो लाइन 2B से मिलने वाली है। दोस्तों ये देखिए मुंबई मेट्रो 2B जो कि ड्रीम लाइन के नाम से भी जाने जाने वाली है, जो कि DN नगर से BKC कुर्ला मंडाले। हेलो दोस्तों, मैं तेजस मालव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मैंडलिन ब्लॉग्स में। तो आज के वीडियो में मैं आपको मेट्रो लाइन 2B का अपडेट देने वाला हूं, जो कि फोर्थ लाइन होने वाली है मेट्रो लाइन 1 और मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 के बाद। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले तो लोकेशन देखिए, अभी मैं BKC में हूँ और ये देखिए यहाँ पर पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। देखिए सो आगे तक चल रहा है मेट्रो का काम। और दोस्तों ये देखिए मुंबई मेट्रो 2B जो कि ड्रीम लाइन के नाम से भी जाने जाने वाली है, जो कि DN नगर से BKC कुर्ला मंडाले। दोस्तों आज के डेट में टोटल 3 मेट्रोस चल रही है। सबसे पहले तो मेट्रो लाइन 1 जो कि ब्लू लाइन के नाम से भी जानी जाती है, जो कि घाटकोपर से वर्सोवा तक चलती है। फिर मेट्रो लाइन 2A जो कि DN नगर से दहीसर तक चलती है। फिर मेट्रो लाइन 7 जो अंधेरी से दहीसर तक चलती है। और उसके बाद अभी आने जा रही है मेट्रो लाइन 2B। और इसके साथ साथ एक और मेट्रो लाइन ऐड होने जा रही है, जो कि होने वाली है मेट्रो लाइन 2B। और ये तीनों मेट्रोज आपस में कनेक्टेड है, यानी इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से किसी भी एक मेट्रो से अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको इन तीनों मेट्रो का एक्सेस मिल जाएगा। तो मेट्रो लाइन 2B DN नगर से मंडाले स्टेशन तक होने वाली है और DN नगर स्टेशन से आपको मेट्रो लाइन 2A का भी एक्सेस मिल जाएगा। और इस पूरे रूट की लेंथ 23 किलोमीटर होने वाली है और इसमें टोटल 20 स्टेशन होने वाले हैं। तो मेट्रो लाइन 2B के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत अप्रैल 2018 से हुई थी और ये मेट्रो टोटल 4 फेजेस में बनने वाली है। पहला फेज होने वाला है ESIC नगर से खीरा नगर, उसके बाद सारस्वत नगर से ILFS, फिर MTNL मेट्रो से चेंबूर और उसके बाद डायमंड गार्डन से मंडाले मेट्रो स्टेशन। और ये पूरा प्रोजेक्ट MMRDA के अंडर आने वाला है, MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये पूरा प्रोजेक्ट DMRC ऑपरेट करने वाली है, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। मेट्रो लाइन 2B ना कि सिर्फ आपको मेट्रो लाइन 2A से कनेक्टिविटी देगी, बल्कि आपको मेट्रो लाइन 1 जो कि ब्लू लाइन के नाम से भी जानी जाती है उसकी भी कनेक्टिविटी आपको DN नगर मेट्रो स्टेशन से मिल जाएगी। फिर उसके बाद मेट्रो लाइन 4 जो कि वडाला से कसार वडावली होने वाली है, उसकी भी कनेक्टिविटी आपको मेट्रो लाइन 2B से मिल जाएगी। फिर मेट्रो लाइन 3 जो कि कोलाबा से सिब्स होने वाली है, उसकी भी कनेक्टिविटी आपको इस मेट्रो से मिलने वाली है। और मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 4 दोनों भी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेट्रो लाइन 2B ना सिर्फ आपको मेट्रोज में ही आपस से जोड़ने वाली है, बल्कि ये आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की भी कनेक्टिविटी देगी। और इसके साथ साथ आपको वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे और उसके साथ मोनो रेल की भी कनेक्टिविटी आपको मेट्रो लाइन 2B से मिलने वाली है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि कैसे लोकल ट्रेन और मोनो रेल का एक्सेस आपको मिलने वाला है, तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो DN नगर मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो लाइन 1 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी और उसकी मदद से आप मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद मेट्रो लाइन 2B में बांद्रा मेट्रो स्टेशन भी होने वाला है, जहां से आपको वेस्टर्न साइड के लोकल ट्रेन का भी एक्सेस मिल जाएगा। फिर ITO जंक्शन मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो लाइन 3 का भी एक्सेस मिल जाएगा, जो कि कोलाबा से सिब्स होने वाली है। और उसके बाद कुर्ला ईस्ट मेट्रो स्टेशन से आपको सेंट्रल रेलवे के साथ साथ मेट्रो लाइन 4 का भी एक्सेस मिलेगा, मेट्रो लाइन 4 जो कि वडाला से कसार वडावली होने वाली है। और मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 4 दोनों अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। फिर चेंबूर मेट्रो स्टेशन से आपको मोनो रेल का भी एक्सेस मिल जाएगा और उसके बाद मानखुर मेट्रो स्टेशन से आप नवी मुंबई में भी ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में कहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड और मेट्रो लाइन 2B इसकी शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, मेट्रो लाइन 2B को बनने में टोटल 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और MMRDA ने ऐसा दावा किया है कि 2031 तक डेली 1,000,000 ट्रैवलर्स मेट्रो का फायदा उठा सकेंगे। और हाल ही में मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि डेली 1.7 लाख ट्रैवलर्स इस मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं और शुरू के पहले महीने में ही 50,00,000 ट्रैवलर्स ने मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 का फायदा उठाया। और ये आंकड़ा देख के MMRDA ने जो वादा किया है 2031 तक 1,000,000 पैसेंजर्स, ये आंकड़ा भी सच हो सकता है। दोस्तों, मुंबईकर हमेशा भागते रहते हैं, मुंबई कभी नहीं सोती। और सालों से मुंबई ने अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी अपडेट किया है,
जैसे कि पहले लोकल सिर्फ 9 डब्बे की होती थी, फिर 12 डब्बा और अभी 15 डब्बा, फिर बेस्ट बसेस, ऑटो, टैक्सी और अभी ओला, उबेर और रैपिडो। शुरू से ही मुंबई ने अपने ट्रांसपोर्टेशन को अपग्रेड किया है और मेट्रो सही मायने में एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाली है, क्योंकि मेट्रो लाइन 2B की मदद से रोड ट्रैवल को एटलीस्ट 50-60% कम किया जा सकता है। और जितने ज़्यादा लोग मेट्रो का फ़ायदा उठाएंगे, उतना ही रोड पे आपको ट्रैफिक कम दिखेगा, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो मेट्रो लाइन 2B ऑफिस गोअर्स के साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने वाली है। और अभी आप देख सकते हैं कि लोकल ट्रेन की वजह से ऑलरेडी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ओवरक्राउडिंग की वजह से भी। तो सही मायने में ये मेट्रो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर मैं मेट्रो लाइन 2B के डेडलाइन के बारे में बताऊँ तो 2024 तक ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगा, लेकिन 2024 में कौन से महीने में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है ये MMRDA ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। और इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा डिले भी नहीं हुआ है अगर कोविड को अगर हम साइड में रखें तो ये होप करते हैं कि 2024 में यानी डेडलाइन तक ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगा। और मेट्रो लाइन 2B MMRDA के 337 किलोमीटर मेट्रो प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और ऐसे कई सारे मेट्रोज जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जिसके वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और आने वाले बहुत सारे मेट्रोज हैं जिसके अपडेट आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए आपके ट्रैवलर फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।